नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो इस वीडियो में बेटा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं जब हम अल्टरनेटिंग करंट को किसी रेजिस्टेंस और इंडक्टर से जब हम अप्लाई कर देते हैं तो उसका हमें फेज रिलेशनशिप पढ़ना है, ईएमएफ का मतलब उसके अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का और अल्टरनेटिंग करंट का। ओके, इससे पहले हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर हम अल्टरनेटिंग सोर्स को ईएमएफ को किसी रेजिस्टेंस के थ्रू अप्लाई करते हैं तो बेटे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल आता है और जो करंट आता है बेटे वो दोनों सेम फेज में होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसी एल इंडक्टर की जिसका इंडक्टर एल है बेटे इंडक्टेंस, तो उसके अंदर बेटे जो हमारा पोटेंशियल आता है ना टाइम वेरिंग, वो हमेशा ही करंट से पाई बाय टू फेज आगे होता है, जो कि मैंने ये बना दिया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ किसी कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर के अंदर जो हमारा करंट होता है बेटे वो बेटे उसके पोटेंशियल से मतलब अल्टरनेटिंग जो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर होता है वो उससे पाई बाय टू फेज आगे होता है, ठीक है। बट अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं बेटे, ये तुम्हारे ना प्रैक्टिकल सर्किट नहीं है, ये तुम्हारे कौन से सर्किट है बेटे, ये जस्ट तुम्हारे पढ़ने के लिए हैं, ये जस्ट तुम्हारे थ्योरेटिकल सर्किट हैं। ये जो मैंने फेज़ वाली बात की है ना, केवल और केवल ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्यों, क्योंकि भाई साहब, क्योंकि बेटे आप क्या करते हो, जब भी आप इन तीनों को रेजिस्टेंस को इंडक्टर को और किसी कैपेसिटर को इस अल्टरनेटिंग सोर्स के अक्रॉस में लगाते हो ना, तो इस जो हमने ये सोर्स लगाया है ना, अल्टरनेटिंग जो सोर्स लगाया बेटे, इसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस बेटे इंडक्टर और कैपेसिटर के कहाँ पे आ जाता है बेटे, वो सीरीज में आ जाता है। किस में आता है बेटे, वो सीरीज में आ जाता है। तो मतलब जब ऐसा होता है ना, तो जो अल्टरनेटिंग करंट का जो बेटे पोटेंशियल ईएमएफ जो होता है और जो करंट होता है बेटे, उसका जो फेज़ होता है ना वो अब पाई बाय टू नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है। अब हमें उसी फेज़ रिलेशनशिप को निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो बेटे, सपोज़ करो कि पहले मैंने कौन सा सर्किट लिया, ये इंडक्टर वाला सर्किट ले लिया। ऑब्वियस सी बात है बेटे, इसका जो रेजिस्टेंस है ना इस अल्टरनेटिंग सोर्स का, वो हमने आर मान लिया, तो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है ना बेटे वो इसके साथ कैसे लग रहा है, वो इसके साथ सीरीज में लग रहा है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहा आर, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने बेटे क्या लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया एल हेनरी का, ओके। और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं बेटे, उसको अल्टरनेटिंग सोर्स से हम अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से सुनो क्या, कि जो हम ये ई लेके चल रहे हैं ना बेटे, ये ई हमारा कितना बेटे, ये तुम्हारे पास है ई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करता हूँ ना बेटे, आप लोगों को मालूम है क्या कि भाई जब हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अप्लाई करते हैं ना, तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल होता है किसी भी टाइम पर बेटे, उसको मैंने कितना माना, मैंने उसको VRT मान लिया। कितना मान लिया बेटे, VRT मान लिया। और ये जो VRT है ना, वो और करंट को मैंने कितना माना बेटे, मैंने उसको मान लिया मैंने IT। अब देखो ये सीरीज़ में है, तो करंट तो दोनों के केस में सीरीज में तो सेम रहता है बेटे, तो जो करंट होगा ना हमारा किसी भी टाइम पे, वो क्या होगा बेटे, सीरीज में तो सेम रहता है, मतलब जो करंट इसके क्रॉस में फॉलो करेगा वही करंट इसके क्रॉस में फ्लो करेगा बेटे। तो इस वजह से हमने इसको क्या माना बेटे, आईटी मान लिया। बट सीरीज़ में जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है। तो सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बनाऊँ, मतलब अल्टरनेटिंग करंट बनाऊँ, तो वो तो बेटे आईटी ही रहने वाला है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। बट इसके केस में बेटे, इंडक्टर के केस में जो हमारा पोटेंशियल होता है ना, वो पाई बाय टू फेज से आगे होता है, किसके कंपैरेटिवली, वो हमारा बेटे इलेक्ट्रिक करंट के कंपैरेटिवली। तो इसको मैंने देखो, ये हमने क्या बना दिया बेटे, हमने बना दिया VLT, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर एट एनी टाइम, ठीक है। तो सीरीज में जो पोटेंशियल होता है वो तो अलग अलग होता है, इसी वजह से हमने इसको VRT मान लिया और इसको VLT मान लिया। बट करंट क्या होता है बेटे, दोनों में सेम होता है, तो इसी वजह से हमने क्या माना बेटे, इसको IT मान लिया, इसको भी हमने क्या मान लिया, IT मान लिया। अब ऐसा मान के चल बेटे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना बेटे, I0 है। कितना I0 है, जो कि हम मानते आए हैं। और IT क्या बेटे, किसी भी टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। अब अगर मुझे VR लिखना पड़ जाए, तो मैं VR को क्या लिखूँ बेटे, मैं VRT को क्या लिखने वाला हूँ, कि इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वो ऑब्वियस ही बात है बेटे, वो कुछ इस फॉर्म का होने वाला है, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे पहले मैं क्या लिखूँ बेटे, यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखूँगा, किसकी, इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और वो कितना था बेटे, वो था हमारे पास I0 इंटू इसका रेजिस्टेंस, वो तुम्हारे पास कितना बेटे, आर है। और वो क्या होता है बेटे, करंट और हमारा जो पोटेंशियल होता है दोनों सेम फेज में होते हैं। तो मैंने माना कि कितना बेटे, वो I0 इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर मुझे इसके क्रॉस में पोटेंशियल लिखना है, इस खाली इंडक्टर के क्रॉस में, तुम्हें मालूम है कि इंडक्टर के क्रॉस में, अच्छा देखो, करंट जो है ना बेटे, उसका भी जो फेज़ है वो यही वाला ही फेज़ है डेफिनेटली,
ओके, क्योंकि दोनों की दोनों किस्म में होते हैं, दोनों दोनों सेम फेज में होते हैं। अब अगर मैं मान लो मैं बनाने की कोशिश करूँ कि इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आएगा, तो सबसे पहले उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमने कितनी लिखी थी याद कीजिए, वो लिखा था हमने उसको आई नोट इंटू एक्स एल से, आई नॉट इंटू एक्स एल से बेटे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूँ भाई, यहाँ पर लिखूँ मैं साइन ऑफ, अब देखो जो पोटेंशियल होता है ना बेटे वो करंट से कितना आगे होता है, पाई बाय टू फेज, तो ओमेगा टी प्लस में पाई बाय टू मान लूँगा उसको, मैं कितना मान लूँगा, ओमेगा टी प्लस में पाई बाय टू मान लूँगा। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, और ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है क्या, कि बेटे अल्टरनेटिंग जो करंट होता है ना उसके अंदर जो हमारा पोटेंशियल और करंट होता है, अल्टरनेटिंग जो अल्टरनेटिंग जब पढ़ते हैं ना बेटे हम, तो उसमें जो करंट और हमारा पोटेंशियल होता है ना, वो हालांकि रियलिटी में तो स्केलर क्वांटिटी है, बट उनके जो रिजल्ट आते हैं ना वो हमारे कैसे से आते हैं बेटे, वो हमारे वेक्टर के तरीके से आते हैं, मतलब जैसे हम वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं ना उसी तरह के उनके रिजल्ट आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि भाई इसका जो सम होगा वो इन दोनों सम के, इन दोनों के सम के बराबर होगा, मान ले किसी भी टाइम पे ये 50 वोल्ट है तो ये 25 होगा, ये भी 25 होगा, ऐसा नहीं मैं बोलने वाला बेटे, नहीं। वो कैसा सा सम होता है बेटे, वो वेक्टर सम होता है। इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि भाई ये जो पोटेंशियल होता है ना बेटे, वो किसी भी टाइम पे वो बेटे इस वी आर टी को हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर मान लेते हैं, और इसको भी क्या मान लेते हैं बेटे, वेक्टर मान लेते हैं, वी एल टी, ठीक है, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब मेरी बात ध्यान से देख क्या बेटे, मैं फिर से वही बात बार बार बोल रहा हूँ कि इनके जो रिजल्ट आते हैं ना वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। अब ध्यान से सुन बेटे कि आप लोगों को मालूम है कि अगर मैं वाई वन कितना मान लूँ, ए साइन ऑफ ओमेगा टी मान लूँ, वाई टू कितना मान लूँ बेटे, दो हमारी एस एच एम है, बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में थीटा है, ठीक है, तो डेफिनेटली उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना बेटे, वो आएगा ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस को ओमेगा टी, वो बेसिकली थीटा आएगा। तो हमने मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आप क्या करो बेटे, इसको और इसको क्या मान लो, एक वेक्टर की तरह मान लो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना बेटे स्मॉल ए हो, और दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बेटे स्मॉल बी हो, और उसका जो रिजल्टेंट आएगा ना बेटे वो क्या आएगा बेटे, वो यहाँ पर आएगा, मतलब आर के बराबर आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, जो वो आएगा वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। और सिमिलर वे में जो आपने ये जो एंगल बनाया ना, मान लेते रहा ये फाई बना, कितना बना बेटा ये फाई, इस फाई की बात कर रहा हूँ, तो ये फाई किसके बराबर होना चाहिए बेटा, ये तेरा फाई बराबर होना चाहिए बी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय में ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर होना चाहिए। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी कर करके आए हैं। अब मेरी बात ध्यान से देख, यहाँ पर जो तेरा वाई नेट है ना, वाई नेट है बेटे, मतलब कि वो ये वाली चीज़ है, और यहाँ पर वाई नेट का काम कौन कर रहा है बेटे, ये तुम्हारा ये वाली चीज़ कर रही है, ओके, बहुत बढ़िया। सिमिलर वे में अगर मैं देखूं बेटे इसका काम कौन कर रहा है बेटे, ए साइन ऑफ ओमेगा टी का, वो डेफिनेटली कौन सा कर रहा है बेटे, वो ये वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है। देखो इसको हम क्या मान लेंगे, ए का काम कौन करेगा बेटे यहाँ पर, ये करेगा, और बी का काम कौन करेगा बेटे, यहाँ पर ये करने वाला है। हमने दोनों कंपेयर करा ना, और वैसे भी मैंने आपको समझा रखा कि आप इसको क्या मान लो बेटे, एक तरह से वेक्टर मान लो। अब इसका मतलब ये है देखो कि भाई इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया बेटे क्या स्मॉल बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब देखो इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है बेटे, वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू माइनस के ओमेगा टी। तो जो तुम्हारे पास बेटे थीटा आ रहा है यहाँ पर, कितना आ रहा है बेटे, वो तुम्हारे पास आ रहा है पाई बाय टू, कितना आ रहा है बेटे, वो पाई बाय टू आ रहा है। आपने क्या करा, इसमें से इसको घटा दिया। अब आप क्या करो, इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना चालू कर दो कि भाई एक वेक्टर है जिसका जो बेटे जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, आई नोट आर है, कितना बेटे वो आई नोट आर है। तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया उसको, आई नोट आर मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा जो वेक्टर है बेटे बी वेक्टर है, उनके बीच में कितना एंगल आ रहा है बेटे, वो आ रहा है तुम्हारे पास पाई बाय टू, तो पाई बाय टू के लिए तुमने यहाँ पे लिख दिया उसको, ये तुमने कितना बना दिया बेटे, आई नोट इंटू में एक्स एल बना दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा बेटे, जो रिजल्टेंट आएगा डेफिनेटली बेटे वो किसके बराबर आना चाहिए, देखो मैंने उसको ए माना, एक को मैंने बी माना, तो उन दोनों का जो वेक्टर सम आएगा बेटे वो किसके बराबर आएगा बेटे, वो आएगा आर के बराबर। और यहाँ पर आर क्या है, वाई नेट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पर जो वाई नेट का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटे, वो ये वाली इक्वेशन कर रही है। तो यानी कि यहाँ पर आर का काम कौन करेगा बेटे, ये वाली करेगी टर्म, कौन करेगी, ये आर का काम करने वाली है। तो ठीक है भाई, इसको सोल्व कर ले, तो सोल्व करेगा तो डेफिनेटली भाई इनके बीच में कितना एंगल आई तुम्हारा 90 डिग्री है, कितना एंगल है बेटे ये 90 डिग्री है। इस रिजल्टेंट वेक्टर ने इसके साथ ये जो एंगल बनाया है वो कितना बनाया बेटे तुम्हारा, वो तुम्हारा बना रखा है, यहाँ पे हमने फाई लिया ना, तो यहाँ पे आप क्या ले लो बेटे, फाई ले लो, कितना ले लो, फाई ले लो। तो जस्ट इसको सोल्व आउट कर ले भाई, तो डेफिनेटली बेटे इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा डेफिनेटली बेटे वो इसके बराबर होगा, ई नोट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो आर है वो क्या है, वो आर है बेटे, वो एक को हमने ए माना, एक को हमने बी माना, तो जो आर है तुम्हारा वो क्या है, वो बेटे रिजल्टेंट है
रिजल्टेंट की तरह काम कर रहा है, किस किस को आपने इसको ए वेक्टर माना, इसको बी वेक्टर माना, तो सेम कहानी यहाँ पर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटे कितना, अगर आप इसको आर का स्क्वेयर करोगे तो डेफिनेटली मैं इसको लिख दूँ बेटे कितना, ई नोट का स्क्वेयर, ई नोट का स्क्वेयर बराबर किसके बराबर है बेटे, वाई का। आप इसको एक वेक्टर मान लो, मतलब आई नोट का, आई नोट आर का होल स्क्वेयर प्लस आई नोट इंटू एक्स एल का होल स्क्वेयर प्लस, यानी कि मैं ये वाला क्या निकालना चाह रहा हूँ बेटे, ये वाला तुम्हारा मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, ये जो एम्पलीट्यूड आएगा बेटे नेट पोटेंशियल का, वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कितना बेटे, टू इंटू ए कितना तुम्हारे पास हुआ, तुम्हारे पास आई नोट आर इंटू बी कितना बेटे तुम्हारे पास, वो है तुम्हारे पास आई नोट इंटू एक्सएल इंटू कितना एंगल दोनों के बीच में बेटे, कोस ऑफ 90 डिग्री। ऑब्वियसली बात है कोस ऑफ 90 तुम्हारा जीरो होता है, तो ये वाले टर्म तो तुम्हारी जीरो बन जाएगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आप लोग इसको बेटे सोल्व करने की कोशिश करोगे ना, आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो ध्यान से देख, ये तुम्हें मालूम पड़ गया ना, क्योंकि बेटे मैंने इसका स्क्वेयर कर दिया, तो आप आर का स्क्वेयर करोगे तो किसके बराबर आएगा, वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर आएगा, तो वही करा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कितना भाई, ये तेरे पास आया ई नोट का स्क्वेयर, ई नोट का स्क्वेयर किसके बराबर आएगा देख, वो आएगा भाई किसके बराबर आएगा, वो आएगा आई नोट का स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का होल स्क्वेयर, इसका रूट कर दे भाई। ई नोट किसके बराबर आ बेटे, जब तू रूट करेगा तो आई नोट हो तेरा बाहर आ जाएगा, आई नोट आ गया यहाँ पर, ये यह कितना बना भी तेरे पास आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से बेटे जो तेरे पास टर्म आ रही है आई नोट, आई नोट का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है बेटे, वो आ रहा है ई नोट डिवाइडेड बाई में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब इस टर्म को मैं देखो, ये इसको कंपैरिजन करो बेटे किसके, आपने मैक्सिमम पोटेंशियल को, ईएमएफ के मैक्सिमम पोटेंशियल को आपने डिवाइड करा बेटे किसी चीज़ से और तुम्हें करंट दे रहा है, तो डेफिनेटली बेटे इसका जो यूनिट होगा वो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है होम, क्या बनने वाला है होम। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, इसको हम लिखते हैं जेड से, ई नोट बाय जेड, और ये जो जेड होता है ना, जेड को बोलते हैं बेटे क्या, इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको बेटे, इम्पीडेंस बोल देते हैं, ठीक है। और जेड का वैल्यू किसके बराबर है बेटे, यहाँ पर जेड का वैल्यू बराबर है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल के होल स्क्वेयर के बराबर है। और अगर आप लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो, मतलब ये वाला जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बेटे, वो आएगा आई नोट इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का होल स्क्वेयर, ओके बहुत बढ़िया, और इंटू में आई नोट, या फिर ऑब्वियसली बात है वो तो ई नोट ही है, आप उसको ई नोट ही मान सकते हो उसको। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब सिमिलरली अगर मुझे टेंजेंट ऑफ फाई निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए बेटे, टेंजेंट ऑफ फाई निकालना पड़ जाए, तो टेंजेंट ऑफ फाई आप कैसे निकालोगे, टेंजेंट ऑफ फाई आप कैसे निकालो बेटे, वो निकालोगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर ये आई नोट एक्सएल है, अगर ये आई नोट एक्सएल है तो डेफिनेटली ये वाला तो आई नोट एक्सएल है, तो देख ये भी कितना बना बेटे, आई नोट इंटू एक्सएल बना, ये भी कितना बना बेटे तेरे पास, आई नोट इंटू एक्सएल बना, आई नोट इंटू एक्सएल बना है, तो ये कितना आया बेटे तेरे पास, ये आया आई नोट इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाई में, ये कितना आया भाई, ये आएगा आई नोट इंटू आर, तो इसने इसको मार दिया। तो यहाँ से जो टेंजेंट ऑफ फाई आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है भी तेरे पास एक्स एल डिवाइडेड बाई में आर के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये जो चीज़ बनी है ना बेटे, ये वाली चीज़ बनी है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का होल स्क्वेयर, वो बेसिकली ना इस पूरे के पूरे सर्किट का क्या है, वो रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस को हमने जेड से लिखा है, और जेड हमारा क्या बेटे, इम्पीडेंस है, उसको क्या बोलते हैं बेटे, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बोल देते हैं। अब देखो बेटे हम ये सारी की सारी चीज़ें कर चुके हैं, मेरी बात ध्यान से सुन, अब ये तो बेटे हमने अप्लाई किया था, ये हमने क्या करा था है ना, हमने अप्लाई किया था, बट इसके रेजिस्टेंस और इंडक्टर के क्रॉस में जो हमारा ई बन रहा है ना, वो ये वाला बन रहा है, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। और इसका जो एम्पलीट्यूड आया है, इसका जो बेटे एम्पलीट्यूड मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आया ना, वो किसके बराबर आया बेटे, वो है तुम्हारे पास आई नोट इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का होल स्क्वेयर आया। और इसको तुमने क्या माना बेटे, तुमने ई वेक्टर मान लिया, इसको क्या मान लिया, ये वाला ई वेक्टर आया, ठीक है बहुत बढ़िया। अब जो मैंने बनाया था ये हमारा रेजिस्टेंस के क्रॉस में है, किसके क्रॉस में बेटे, रेजिस्टेंस के क्रॉस में है। और अगर ये रेजिस्टेंस के क्रॉस में है तो डेफिनेटली बेटे रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस के क्रॉस में पोटेंशियल है बेटे, रेजिस्टेंस के क्रॉस में जो पोटेंशियल होता है बेटे, जो पोटेंशियल और करंट का फेज होता है ना, वो सेम ही होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा करंट आएगा ना किसी भी टाइम पे बेटे, मतलब आईटी जो होगा वो डेफिनेटली बेटे क्या होगा,
वो तुम्हारा क्या होने वाला भाई, वो तुम्हारा होने वाला है सेम फेज़ में, किसके साथ, इस रेजिस्टेंस के फेज़ के साथ, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का फेज़ और इलेक्ट्रिक करंट का जो फेज़ होता है वो दोनों के दोनों किस में होता है बेटे, सेम फेज़ में होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनो क्या, कि अगर मुझे बेटे ये वाला ई लिखना पड़ जाए तो इस ई को मैं कैसे लिखने वाला हूँ, इस ई को मैं लिखने वाला हूँ कैसे बेटे, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, देखो यहाँ पे आर था ना, तो आर का काम कौन कर रहा बेटे, ये वाली चीज़ कर रही है। तो यहाँ पर आया आई नोट इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का होल स्क्वेयर, बहुत बढ़िया, इंटू में साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा टी तेरे पास यहाँ से आ गया बेटे, प्लस अब फाई कितना बेटे तेरे पास, जो फाई आया तेरे पास वो ये वाला आया, और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ बेटे, टेंजेंट इनवर्स एक्स एल बाय में आर, कितना लिख सकता हूँ बेटे, टेंजेंट इनवर्स एक्स एल बाय में आर, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हम इस चीज़ को बेटे ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आप लोगों को मैं समझाना चाहूँ कि भाई मुझे तो आई टी का इक्वेशन लिखना है, तो बेटे डेफिनेटली आई टी कितना होना चाहिए, आई टी जो होना चाहिए ध्यान से सुन, वो तेरा होना चाहिए बेटे कितना, आई नोट, आई नोट का जो आई नोट का वैल्यू है हमारे पास वो कितना था बेटे, वो ई नोट था, सॉरी ई नोट डिवाइडेड बाय में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का होल स्क्वेयर इंटू में साइन ऑफ, देखो देखो बेटे अगर ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा वेक्टर है, उसने जो एंगल बना रखा है ना, ये तुम्हारा ई नेट है इन दोनों के क्रॉस में जो फेज से घूम रहा है, तो करंट इससे ना बेटे जो करंट है हमारा वो इससे पाई बाय टू फेज पीछे है, क्योंकि हम तो इसको कैसे घुमा रहे हैं, इसको हम एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ ना करंट का, तो करंट बेटे इस ई से ना कितना पीछे है, वो तुम्हारा फाई पीछे है बेटे, कितना पीछे है, फाई पीछे है। तो मतलब ये कितना बनना चाहिए तुम्हारा बेटे, ओमेगा टी माइनस के फाई, कितना बनना चाहिए बेटे, ओमेगा टी माइनस के फाई। और इसको अपन लिख सकते हैं बेटे आई टी बराबर आई नोट, आई नोट का वैल्यू मुझे मालूम है ये चीज़ है, इंटू में साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के फाई। तो इस तरह से क्या है, आप किसी भी टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इस सर्किट के अंदर वो इस चीज़ को फॉलो करेगा डेफिनेटली बेटे, ठीक है। और जो ईएमएफ होता है बेटे वो फाई फेज से आगे होता है। अगर हम सिंगल लेके चलते तो डेफिनेटली हमें मालूम था कि जो ईएमएफ आता इंडक्टर के क्रॉस में वो पाई बाय टू फेज से आगे आता, बट हमने दोनों ले लिए बेटे, तो दोनों के केस में जो ई है ना, ई है और आई है, उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है बेटे, फाई का है। अगर ई को हमने ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है, तो डेफिनेटली बेटे जो आई है हमारा वो पीछे है, कितना पीछे है बेटे उससे, वो फाई पीछे है। तो हमने क्या करा, ओमेगा टी में से हमने क्या कटा दिया बेटे, फाई कटा दिया, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो बेटे एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का, वो आपका इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। उसके अंदर आप लोगों को दे रखा है कि कोई बेटे इंडक्टर है बेटे 0.50 हेनरी का, आपने क्या करा उसको किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, और रेजिस्टेंस हमने कितना माना बेटे 100 ओम का मान लिया, और फिर ये बोलता कि हमने एक सोर्स अल्टरनेटिंग सोर्स से अप्लाई कर रखा है, उसको कितना बेटे वो तुम्हारे पास है 220 कोमा में 50 हर्ट्ज़ है। और ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों को मैं 20 बहुत बार बता चुका हूँ कि जो 220 वोल्ट है ना बेटे, ये कौन सी वाली वैल्यू होती है, तुम्हारी ERMS वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है बेटे, ERMS वैल्यू होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका सबसे पहले इसका क्वेश्चन यही है कि भाई बताओ मैक्सिमम करंट कितना फॉलो करेगा। अब ऑब्वियस ही बात है मैक्सिमम करंट बेटे ये वाला होता है, ठीक है। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था वो कुछ इस फॉर्म का बनाया था कि भाई हमारा इधर रेजिस्टेंस वाला था, मतलब आई नोट आर था, और इधर हमारा कितना था बेटे आई नोट इंटू एक्स एल था, और जो नेट आया था बेटे इसके अंदर सर्किट के अंदर जो ई, ये हमारा करंट था इस तरफ आई टी था, और इधर हमारा क्या था बेटे, ये तुम्हारा इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था वो था आई नोट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का स्क्वेयर, और ये तुम्हारा कौन सा वेक्टर था बेटे, ई वेक्टर था, और इन दोनों के बीच में आई के बीच में और ई के बीच में कितना फेज था बेटे, वो फाई का फेज था, ठीक है। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोगों को पहला क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट उसका यही बोलता है कि बताइए प्लीज़ क्या कि भाई इसके अंदर से मैक्सिमम करंट कितना जाएगा। अब मैक्सिमम करंट कैसे निकालोगे, डेफिनेटली बेटे मैक्सिमम करंट कैसे निकालोगे, मैक्सिमम करंट के लिए फॉर्मूला है ई नोट, कौन सा, ई नोट डिवाइड बाय में अंडर रूट ऑफ एक्स एल स्क्वेयर प्लस आर का स्क्वेयर। अब ई नोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम लोगों को मालूम है कि जो तुम्हारा ई आर एम एस होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है ई नोट बाय अंडर रूट टू के। तो इसका मतलब ये है कि ई नोट का वैल्यू तो मेरे पास आ चुका है, वो अंडर रूट टू इंटू में कितना बेटे, वो इसने ना ये 240 वोल्ट दे रखा, कितना दे रखा बेटे 240 वोल्ट दे रखा, तो आप इसको 240 वोल्ट कर लीजिए कोई बात नहीं, तो कितना बेटे यहाँ पे वो 240 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा वो हमारे पास ई नोट का वैल्यू आ गया। अब मेरा काम है, मुझे आर दे रखा है, तो आर की वैल्यू भी गिवन है, आर की वैल्यू कितनी है बेटे, वो आपको दे रखी है उसने 100 ओम, कितनी दे रखी है भाई 100 ओम। अब एक्सएल, अब आप लोगों को मालूम है कि एक्सएल किसके बराबर होता है बेटे, होता है ओमेगा इंटू एल के बराबर, ओमेगा कितना है 2 पाई एफ इंटू में एल,
तो ध्यान से सुन, 2 × 22/7 एफ का वैल्यू है 50, इंटू में एल का वैल्यू है कितना बेटे 0.50। ठीक है, तो जब आप लोग बेटे आप ये हमारा किसका बेटे एक्सेल का वैल्यू आ गया और उसका जो यूनिट आएगा ना वो होम ही आएगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है आप लोग क्या करो, आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, तो जब आप लोग बेटे इस वाले फॉर्मूला में सारी की सारी वैल्यू पुट कर दोगे, ई नोट का वैल्यू पुट करोगे अंडर रूट 2 × 240 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट ऑफ आर इसके एक्सेल का उसके, तो एक्सेल का बेटे तो ये वाली चीज़ बन रही है 2 × 22/7 × 50 × 0.005 का होल स्केयर प्लस में आर स्केयर, आर स्केयर की तरह बेटे तुम्हारे पास 100 है तो 100 का स्केयर बन गया। ठीक है, तो ये वाली टर्म आ गई तुम्हारे पास। अगर मैं तुम्हें तुम लोगों को बताने की कोशिश करूं कि भाई साहब आप लोग जब इसको सोल्व आउट करोगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा बेटे कितना, वो आंसर दे रहा है ये 1.82 एम्पियर। ठीक है, तो आप लोग बेटे इसको सोल्व करके देखोगे तो आपके पास आंसर 1.82 एम्पियर का आएगा। फिर उसके बाद ये बोलता है बेटे, देखो अगर वो बोलता कि फेज़ कितना है दोनों के बीच में बेटे, तो आप डेफिनेटली आसानी से निकाल देते बेटे, डेफिनेटली आप आसानी से निकालते क्योंकि टेंजेंट ऑफ जो फाई है ना वो किसके बराबर होगा बेटे, वो होगा ओमेगा एल डिवाइडेड बाय में ओमेगा एल मतलब एक्सेल का वैल्यू है, ये कहाँ है एक्सेल का वैल्यू है, ओमेगा एल डिवाइड बाय बेटे आर। तो टेन जब आप फाई की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास आंसर बेटे, सभी वैल्यू पुट करने के बाद ये 2 पाई, ये 50 है 2 पाई f इंटू में एल का वैल्यू 0.50 डिवाइडेड बाय में, अभी हम टेंजेंट ऑफ फाई निकाल रहे हैं तो नीचे कितना है बेटे वो आएगा तुम्हारे पास 100। तो जब तुम लोग फाई का वैल्यू चेक करोगे ना यहाँ से, तो फाई का जो वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है बेटे कितना 57.5 डिवाइडेड बाय में 180 रेडियन, इतना आएगा बेटे तुम्हारे पास वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये तो हमारे पास फाई का वैल्यू आया, बट इसने जो क्वेश्चन दिया ना आपको, इसने क्वेश्चन दिया कि कितना टाइम लैग है, तो टाइम लैग डेफिनेटली बेटे ये जो एंगल बनेगा वो एंगल कितनी स्पीड से बने बेटे, वो बनेगा ओमेगा टी से, तो ओमेगा टी किसके बराबर आया बेटे, वो इस वाले फाई के बराबर आया जो कि तुम्हारे पास कितना बेटे ये वाला आया। तो जब आप लोग क्या करोगे, टी की वैल्यू रखोगे फाई बाय ओमेगा, ठीक है, फाई डिवाइड बाय में 2 पाई f, तो जब आप इसको बेटे फाई की वैल्यू ये वाली रही है और एफ़ की वैल्यू कितनी बेटे, वो तुम्हारी 50 हर्ट्स है, तो जब आप लोग बेटे इसको रखोगे ना तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 3.2 मिली सेकेंड, कितना आंसर बेटे 3.2 मिली सेकेंड तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर बेटे आप लोगों को अभी ये बात पूछ ले कि बताइए इस इंडक्टर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, इस इंडक्टर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तब आप लोग क्या करो बेटे, अगर हमें इस इंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना ना, तो डेफिनेटली बेटे आप किसकी तरफ भागने वाले हो, IRMS की तरफ भागने वाले हो। आप लोग कैसे निकालो बेटे उसको, डेफिनेटली वो निकलने वाला बेटे कितना IRMS इंटू में XL, कितना बेटे इंटू में XL आएगा। ठीक है, अब पहला काम तो मेरा IRMS निकालना है। जब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई नोट आ रही है, आई नोट कितनी आ रही है बेटे, वो 1.82 आ रही है, तो डेफिनेटली आपके पास जो तुम्हारा IRMS होने वाला है वो कितना होने वाला बेटे, वो होता है आई नोट बाय अंडर रूट 2। तो आई नोट बाय अंडर रूट 2 लिखोगे तो कितना आंसर आया बेटे इसके पास, ये आएगा तुम्हारे पास IRMS का वैल्यू कितना आया भाई, वो आएगा आपके पास, वो आएगा कितना 1.82 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट 2 एम्पियर। तो इतना तुम्हारा IRMS का वैल्यू आ गया। दूसरी बात, एक्सेल का वैल्यू कौन सा रहा भाई, एक्सेल का वैल्यू रहा ये वाला। ठीक है, एक्सेल का वैल्यू रहा हमारे पास। तो हम लोग क्या करें बेटे, यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो जब आप लोग बेटे इन सबकी वैल्यूज पुट करोगे तो डेफिनेटली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 202.23 वोल्ट। ठीक है, और अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ये तो हमारे पास किसके क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप आया बेटे, वो इसके क्रॉस में ड्रॉप आया। और अगर मान लिया जाए कि तुम लोगों से पूछा जाए कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में कितना होगा, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस के क्रॉस में कितना होगा बेटे, वो होगा IRMS इंटू में बेटे कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर तुम्हारा कितना है देखिए कि भाई ये कितना आने वाला है, तो आई नोट का वैल्यू डेफिनेटली ये वाली चीज़ है भाई, और आर का वैल्यू कितना 100 ओम है। तो जब आप लोग बेटे इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा भाई 128.7 वोल्ट, कितना बेटे 128.7 वोल्ट। अब देखिए, अब थोड़ा सा ना अचंभित करने वाला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई देख, टोटल वोल्टेज कितना था तेरे पास IRMS का वैल्यू, वो था तेरे पास 240 वोल्ट, इसके क्रॉस में कितना आया, वो आया 202.23 वोल्ट, और इसके क्रॉस में कितना बेटे, इसके क्रॉस में आया 228.7
7 वोल्ट, तो फिर अगर मैं इन दोनों का सम करूँगा ना तो वो इससे ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या भाई, यहाँ पे तो फिर किरचॉफ का जो जो पोटेंशियल डिवाइडर रूल है वो तो बेटे फिर तो नेगलेक्ट हो गया, वो तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। नहीं, एप्लीकेबल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट फॉलो करते हैं ना वो कौन से वाले रिज़ल्ट होते हैं, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट होते हैं वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है, और वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस था बेटे, 90 था। तो इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब क्या बेटे कि जो 200 तुम्हारा 240 आएगा वो पता किसके बराबर आया, वो बराबर आया बेटे अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, यानी कि 202.23 का होल स्क्वायर प्लस वो आएगा 128.7 वोल्ट का होल स्क्वायर। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो डेफिनेटली वो 240 वोल्ट के बराबर ही आएगा। कैसे वो देखिए ज़रा, देखो हमारे पास ये बेटे, होप आपको ये दिख रहा है, सही से दिख रहा, ठीक है। तो देखो भाई, 202.23 गुणा 202.23 वो बना इसके बराबर, यानी कि अभी तक मैंने ये वाले टर्म सोल्व करी है प्लस, अब मैं ये वाले टर्म सोल्व कर रहा हूँ, 128.7 इंटू 128.7, ये इन दोनों का समय है हमारे इसके टर्म के बराबर, और इसका मुझे क्या करना है, इसका रूट करना है। तो जब मैं रूट करूँगा ना तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है बेटे, वो लगभग आ रहा है 239.7, तो वो लगभग किसके बराबर आ रहा बेटे, 240 वोल्ट के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना अप्लाई किया था आपने, 240 वोल्ट अप्लाई किया था, और आपके पास लगभग आंसर कितना आ रहा है, 240 वोल्ट ही आ रहा है। तो इसी वजह से क्या, मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे जो रिजल्ट आते हैं वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, वो नॉर्मल वाले एडिशन को फॉलो नहीं करते। यहाँ पे हम ना पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट को क्या मान लेते हैं बेटे, वेक्टर मान लेते हैं, क्या मानते हैं, वेक्टर मान लेते हैं। अब इसी में बेटे आप लोगों के पास तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लो मेरे पास ये इधर आया था, वो हमने ये हमारा पोटेंशियल वाला था आई नॉट, यहाँ पर कितना था बेटे एक्सएल था, यहाँ पर हमारा आई नॉट और आर था, इधर ही हमारा क्या था बेटे आई टी था, ठीक है, बढ़िया। ये हमारा क्या था बेटे नेट आया था, मतलब इसका रिजल्टेंट, ये हमारा क्या था बेटे फाई आया था। इतना हम कर चुके हैं ऑलरेडी डेफिनेटली। अब अगर आप लोगों को बोले वो कि बताइए शाबाश कि मेरे को ना इसके क्रॉस में पोटेंशियल इक्वेशन लिखनी है, यानी कि मेरा काम है कि मुझे वी आर टी लिखना है, कितना लिखना है बेटे वी आर टी लिखना है। तो वी आर टी लिखने का आसानी सा तरीका बेटे क्या, इसके क्रॉस में कितना आएगा बेटे आई नॉट, आई नॉट इंटू आर इंटू साइन ऑफ, देखो जो हमारा करंट का फेज होता है ना वही इसके क्रॉस में पोटेंशियल का फेज होता है। तो सपोज करके वो हमारा कितना बेटे हमने माना था ओमेगा टी, तो यहाँ पर ओमेगा टी आ गया, तो डेफिनेटली कितना है बेटे आई नॉट, आई नॉट का वैल्यू कितना है, वो है तेरे पास 1.82 इंटू, इसका रेजिस्टेंस कितना बेटे 0.5 इंटू साइन, नहीं रेजिस्टेंस का 100 है, रेजिस्टेंस का बेटे कितना है 100 है, ठीक है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा होता है 2 पाई, एफ का वैल्यू कितना बेटे 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है, इंटू मिटी। तो किसी भी टाइम पे जो हमारा इसके क्रॉस में पोटेंशियल बनने वाला है वो ये वाला बनने वाला है। सिमिलर वे में अगर मुझे वी एल टी लिखना है तो वी एल टी मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर, वो कितना होना चाहिए बेटे, वो होना चाहिए आई नोट इंटू एक्सएल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, इसमें खाली जो पोटेंशियल होता है बेटे वो इस वाले पोटेंशियल से पाई बाय टू फेज आगे होता है। तो यहाँ पे मैं पाई बाय टू अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा, सीधी सी बात है भाई, आई नोट का वैल्यू कितना है वो है 1.82 इंटू, एक्सएल का वैल्यू तुम लोगों को मालूम है 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, एफ का वैल्यू 50 इंटू, और एल का वैल्यू कितना बेटे 0.5 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो हमारे पास किसके क्रॉस में पोटेंशियल आ गया बेटे, इस खाली इसके क्रॉस में पोटेंशियल आ गया। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम बनेगा वो किसके बराबर बनेगा बेटे, ऑब्वियसली बात है वो बराबर बनना चाहिए तेरा, किसके बराबर वो बनना चाहिए बेटे तेरा ई, और वो किसके बराबर आ बेटे, वो आएगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एम्पलीट्यूड आता है वो कितना आता भाई, वो तेरे पास आता है आई नोट इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ये वाला फाई बेटे। तो प्लस फाई, फाई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, और फाई की वैल्यू शायद हमने ये वाली निकाली थी बेटे 57.5 पाई डिवाइड बाय में 180, ठीक है। तो हमारे पास किसका इक्वेशन आया बेटे, किसी भी टाइम पे जो पोटेंशियल होने वाला है मतलब वही होने वाला है, और फेज डिफरेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि कितना बेटे वो फाई है। और अगर आप लोगों को बोले कि आई का इक्वेशन क्या बनेगा, तो डेफिनेटली वो बनने वाला बेटे आई नोट इंटू साइन ऑफ, अब जो करंट है ना वो ईएमएफ से पीछे है पाई बाय टू से, सॉरी फाई से, तो कितना बेटे वो ओमेगा टी है, तो कितना बनना चाहिए, वो बनना चाहिए तेरा ओमेगा टी माइनस के फाई। तो फाई कितना बेटे 57.5 डिवाइडेड बाय में 180, तो ये आंसर आएगा भाई इसका,
ठीक है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये तेरा कॉम्बिनेशन ऑफ SHM की तरह ही है, उसमें कुछ भी कोई डिफरेंट कोई खास बात नहीं है भाई। ओके बहुत बढ़िया। और भी तेरे से कुछ भी पूछ सकता है तो तू अब आसानी से निकाल सकता है बेटे। तुझे क्या करना है, जैसे उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करना है और उसके आंसर निकालते रहने हैं।